मैं हूं उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा के जंगलात में लगी आग ने आलमी माहरीन को भी तश्वीश में मुब्तला कर दिया। आग से कार्बन का मजमू इखराज तकरीबन 290 मेगाटन है। पड़ोसी मुल्क अमरीका में भी फिजाई आलूदगी बेकाबू हो गई। कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटावा में तूफानी बगोला, दरख उखड़ गए, एक मकान मुतासिर। वफाकी दारुल हुकूमत में तेज हवाओं और बारिश के साथ सालाबारी। टोरंटो में मौसम गर्म रहने का इम्कान। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में अदालती कार्रवाइयों में ताखिर। वकला तंजीम ने हुकाम से मसले को हल करने का मुतालबा कर दिया। ओंटारियो में अदालती कार्रवाइयों की ताखिर को मुल्क में बदतरीन बताया गया है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन डीसी की अदालत में पेशी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बेकसूर करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम साबित हुए तो उन्हें 55 बरस कैद की सजा हो सकती है। चीन की जासूसी करने पर दो हाजिर सर्विस अमरीकी फौजी गिरफ्तार। मुलजिमान पर साजिश और चीनी अहदेदार से रिश्वत वसूली का इल्जाम है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि चीन अमरीकी दिफाई मालूमात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के जंगलात में गुज़िश्ता बरस बड़े पैमाने पर लगने वाली आग ने 2014 के कार्बन के अखराज के रिकॉर्ड में दो गुना इजाफा कर दिया है और ख़दशा है कि ये आग हफ्तों या महीनों तक जंगलात को अपनी लपेट में रखेगी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के जंगलात में गुज़िश्ता बरस बड़े पैमाने पर लगने वाली आग ने 2014 के कार्बन के अखराज के रिकॉर्ड में दो गुना इजाफा कर दिया है और खदशा है कि ये आग हफ्तों या महीनों तक जंगलात को अपनी लपेट में रखेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के मौसमियाती निगरानी के इदारे ने कहा कि कनाडा में लगने वाली ये तबाहकुन आग रवा बरस 3 करोड़ एकड़ रकबे पर फैल चुकी है, जो क्यूबा या जनूबी कोरिया के मजबूरी रकबे से ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक आग से उठने वाले धुएं से कनाडा की फिजा आलूदा तरीन हो गई है और इसकी वजह से पड़ोसी मुल्क अमरीका में भी फिजाई आलूदगी है, जहां अब तक 10 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। परवाजें भी मनसूख हो रही हैं और आउटडोर तकरीबात से गुरेज किया जा रहा है। यूरोप की कॉपरनिक्स एटमोसफियर मॉनिटरिंग सर्विस ने कहा कि उन्होंने सीजन शुरू होने के बाद मई के आगाज में ही आग का सुराख लगा लिया था, जो उस वक्त तक बड़े पैमाने पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फैल चुकी है। कोपरनेक्स ने कहा कि तखमीना शुदा कैनेडियन आग का अखराज 2023 तक के आलमी कुल के 25% से ज़ायद है और ये 2014 में रजिस्टर्ड 138 मिलियन टन के पिछले कनाडा के रिकॉर्ड से काफ़ी ज़्यादा है। सैटेलाइट से अखराज की निगरानी 2003 में शुरू हुई। रवा बरस कनाडा में बड़े पैमाने पर लगने वाली आग के साथ साथ रूस के जंगलात भी आग की जद में आए हैं। CAMS ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि हाल ही में जंगलात में लगने वाली आग मजीद शुमार बशमूल आर्कटिक सर्कल की जानिब बढ़ रही है, जिससे बड़े पैमाने पर धुएं का इखराज होगा। CAMS, जिसके पास 2003 तक का रिकॉर्ड मौजूद है, ने कहा कि इस वक्त कनाडा में जंगलात में आग लगने से कार्बन का मजमू इखराज तकरीबन 290 मेगाटन है, जबकि पिछला रिकॉर्ड 2014 में 138 मेगाटन था। कनाडा का शुमार पहले ही दुनिया में तेजी से गर्म होने वाले खित्तों में होता है, जबकि मौसमियाती तब्दीली से मुल्क को दरपेश शदीद मौसमियाती वाकयात की तादाद और शिद्दत में इजाफा हुआ है।
कनाडा के दारुलहकूमत आटोमा में तूफानी बगोले से एक मकान मुतासर हुआ है। विफाकी दारुलहकूमत में तेज़ हवाओं और बारिश के साथ ज़ालाबारी की भी मुतअद्दिद इत्तला मौसूल हुई। मज़ीद जान लेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के दारुलहकूमत आटोमा में तूफानी बगोले से एक मकान मुतासर हुआ है। विफाकी दारुलहकूमत में तेज़ हवाओं और बारिश के साथ ज़ालाबारी की भी मुतअद्दिद इत्तला मौसूल हुई। आटोमा फायर सर्विस का कहना है कि तूफानी बगोले ने नेपिन के जुनूब में वाक़ रिवर साइड साउथ में एक घर की छत का कुछ हिस्सा उखाड़ फेंका, जबकि चंद मकामात पर दरख गिरने के वाक़ भी सामने आए। फायर सर्विस का कहना है कि सब लोग बाहिफाजत घर से बाहर निकल आए और घर की साख्ती सालमियत को कोई नुकसान ना पहुंचा, लेकिन ये वाजह नहीं है कि ये नुकसान तूफान की वजह से हुआ है या नहीं। दूसरी जानिब एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक गर्म और मरतूब मौसम इस हफ्ते के आखिर में ठंडे दर्जा हरारत से पहले जुमेरात और जुम्मे को टोरंटो में वापस आ जाएगा। एनवायरमेंट माहौलियात कनाडा ने कहा कि शहर में जुमे को ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड देखा जाएगा, लेकिन नमी के साथ दर्जा हरारत 35 के करीब महसूस होगा। जुमा बुनियादी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जिसमें बारिश का इम्कान है और दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, लेकिन नमी की वजह से ये 32 के करीब महसूस होगा। हफ्ते और इतवार की पेशनगोई में दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 26 सेंटीग्रेड और कम से कम 24 सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में वकला की तंजीम ने अदालती कार्रवाइयों में ताखीर के मसले को हल करने के लिए इकदाम करने का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में वकला की तंजीम ने अदालती कार्रवाइयों में ताखीर के मसले को हल करने के लिए इकदाम करने का मुतालबा कर दिया। पिछले महीने इंसाफ के मामलों के लिए वकला की एक कौमी तंजीम एडवोकेट सोसाइटी ने एक रिपोर्ट शाया की, जिसमें ओंटारियो में अदालती कार्रवाइयों की ताखीर को मुल्क में बदतरीन बताया गया है। कानूनी चारा जोई से तनाजा तय करने के लिए 5 साल तक इंतजार करने की तवक्को की जा सकती है। TAS इंसाफ के निज़ाम में हुकूमतों, अदालतों, बार और तमाम स्टेक होल्डर से मुतालबा कर रहा है कि वो कनाडा में सिविल एंड फैमिली इंसाफ की फराहमी में ताखीर के बहरान को हल करने के लिए फौरी और ठोस कार्रवाई करें। कनाडियन सूबे ओंटारियो की हुकूमत का कहना है कि वो स्टेक होल्डर्स को गौर करने के लिए कहने के तकरीबन 3 साल बाद भी सिविल ज्यूरी को ख़त्म करने के इम्कान का मुतालबा कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हासिल करदा 2020 के खत में अटॉर्नी जनरल डग डाउनी ने स्टेक होल्डर से कहा कि वो एक मुजवजा कानून साजी तरमीम पर गौर करें, जो जारी अदालती बैकलॉग्स को ख़त्म करने की कोशिश में कुछ या तमाम सिविल ज्यूरी ट्रायल्स को ख़त्म कर देगी। डाउनी ने खत में कहा कि ये इकदाम वबाई अमराज के इब्तदाई दिनों में इंसाफ के इंतजामिया को बरकरार रखने और इस बात की निशानदही करने की एक वसी कोशिश का हिस्सा होगा कि निज़ाम की ज़रूरियात किस तरह तब्दील हुई है। वजारत ने किसी फैसले तक पहुंचने की तवक्को करने पर कोई जवाब नहीं दिया। 18 जुलाई को वजारत अटॉर्नी जनरल ने ऐलान किया कि वो ताखिर से निमटने की कोशिश में अदालत के डिजिटल इंसाफ के निज़ाम पर $150 मिलियन से ज्यादा खर्च करेगी। डाउनी ने कहा कि इस इकदाम से सूबे के डिजिटल इंसाफ के निज़ाम के मकसद के अगले मरहले की निशानदेही की गई है, जो लोगों को कानूनी मामलों को आसान और तेज तर हल करने में मदद फराहम करती है। अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पर आयद होने वाले इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हुए खुद को बेकसूर करार दे दिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पर आयद होने वाले इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हुए खुद को बेकसूर करार दे दिया। साबिक सदर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2020 के इलेक्शन नतज आने के बाद गैर कानूनी तौर पर अहदे पर बरकरार रहने की कोशिश की थी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन DC की अदालत में पेश हुए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जज ने 6 जनवरी के कैपिटल हिल पर पेश आए वाकयात से मुतालिक चारों इल्ज़ामात पढ़कर सुनाए और अगली समाअत 28 अगस्त को मुकर्रर कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ केस सदारती मुबाहिसे के 5 रोज बाद सुना जाएगा। कबल अज़ी साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कैपिटल हिल केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। डोनाल्ड ट्रंप पर तीसरी बार फर्द जुर्म आयद की गई। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप पर अमरीका को धोखा देने की साजिश का भी इल्ज़ाम है, जबकि उन पर हुकूक पामाल करने की साजिश का भी इल्ज़ाम आयद किया गया है। अमरीकी मीडिया का कहना है अगर डोनाल्ड ट्रंप पर इल्ज़ाम साबित हुए तो उन्हें 55 बरस कैद की सज़ा हो सकती है। अमरीकी बहरिया ने 2 हाजिर सर्विस अहलकारों को चीन की जासूसी करने पर गिरफ्तार किया है। उन पर चीन से ताल्लुक़ रखने और बीजिंग को अमरीका की खुफिया मालूम बेचने का इल्ज़ाम है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी बहरिया ने दौरे हाजिर सर्विस अहलकारों को चीन की जासूसी करने पर गिरफ्तार किया गया है। उन पर चीन से ताल्लुक रखने और बीजिंग को अमरीका की खुफिया मालूमात बेचने का इल्ज़ाम है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अफराद पर शुबा है कि वो बीजिंग को खुफिया मालूमात बेच रहे थे, जिनमें जंगी जहाज़ों और हथियारों के निज़ाम के साथ साथ
रडार सिस्टम के ब्लूप्रिंट्स और एक बड़ी अमरीकी फौजी मशक के मंसूबे शामिल थे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सैनडियागो में बहरी जहाज पर तैनात अमरीकी अहलकार जिन चाओवी को हिरासत में लिया गया है, जबकि दूसरे अहलकार वेनिंग डाउ को लॉस एंजलिस से गिरफ्तार किया गया, जिस पर साजिश और चीनी अहदेदार से रिश्वत वसूली का इल्जाम है। अमरीकी अटॉर्नी जनरल मार्टिन एस्ट्राडा का कहना है कि अहलकार ने यह हसास मालूमात एक दुश्मन गैर मुल्की रियासत के मुलाजिम एक इंटेलिजेंस अफसर को भेजकर हमारे मुल्क की हिफाजत के अपने मुकदस हलफ की खिलाफ वर्जी की और जुर्म साबित होने पर जाओ को 20 साल तक कैद की सजा हो सकती है। महकमा इंसाफ ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि सैनडियागो में USS Essex नामी बहरी जहाज पर काम करने वाले 22 साल जिन चाओवी ने जहाज के ऑपरेशन और उनके निज़ाम के बारे में दर्जनों दस्तावेजात तस्वीर और वीडियोज चीन के हवाले की। इसे इन मालूमात के बदले हजारों डॉलर अदा किए गए थे। नौजवान अहलकार पर जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। एक अलग केस में महकमा इंसाफ ने बताया कि 26 साल ऑफिसर वेन हिंगजाओ ने लॉस एंजलिस में वाकया नेवल बेस वेंटोरा काउंटी में अपने चर्च से तकरीबन 2 साल तक चीन के लिए जासूसी की और उसको एक चीनी इंटेलिजेंस एजेंट ने इंडो पैसिफिक में बड़े पैमाने पर अमरीकी फौजी मशकों के बारे में मालूमात के लिए $15,000 अदा किए थे। जाओ पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने जनूबी जापान में अमरीकी फौजी अड्डे पर रडार सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिकल डायग्राम और ब्लू प्रिंट्स बेचे थे। महकमा इंसाफ के असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल बरए कौमी सलामती मैट ऑल्सन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि चीन अमरीकी दिफाई मालूमात को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जबकि FBI के काउंटर इंटेलिजेंस डिवीजन की सोजिन टर्नर ने बताया कि ये गिरफ्तारियां अवामी जमहूरिया चीन की हमारी जमहूरियत को कमज़ोर करने और उसका दिफा करने वालों को धमकी देने की जारहाना कोशिश की याद दहानी है। टैग TV के पाकिस्तान स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग TV। Precise and effective.